अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयान और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शुक्राने की नमाज का तरीका क्या है, शुक्राने की नमाज की नियत कैसे करें और शुक्राने की नमाज को कैसे अदा करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का ये तरीका रहा है कि जब भी आपको कोई भी खुशी मिलती थी तब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए आप दो रकत नमाज शुक्राने की अदा किया करते थे। तो मैं आपको शुक्राने की नमाज का तरीका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले शुक्राने की नमाज पढ़ने के लिए आपको इसकी नियत करनी है। नियत में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है, तो मैं आपको नियत सबसे पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको नियत इस तरह करनी है, देखिए, या तो आप दिल में ये सोच लीजिए कि मैं ये जो है दो रकत नमाज अल्लाह ताला को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए कर रहा हूँ, या फिर आप अपनी ज़बान से ये भी बोल सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नियत आपको इस तरह करनी है, नियत की मैंने दो रकत नमाज शुक्राने की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसमें वक्त का और इसके अलावा और चीज़ों का किसी का भी नाम नहीं लेना है, सिर्फ जितना मैंने आपको बताया है सिर्फ इतना आपको कहकर नियत बांध लेनी है। और फिर सबसे पहले आपको सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा जिस तरीके से आप और नमाजों में पढ़ते हैं इसी तरीके से आपको इसमें भी सबसे पहले सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा पूरा पढ़ना है। और फिर उसके बाद आपको सूरह फातिहा यानी अलहमद शरीफ की सूर्य पढ़ना है। और फिर सूर्य फातिहा पढ़ने के बाद आपको कोई भी एक सूर्य पढ़ लेना है, कोई भी सूर्य आप पढ़ सकते हैं जो भी आपको याद है। उसके बाद आपको और नमाजों की तरह रुकू करना है, सजदा करना है। और फिर जब आप दूसरी रकत में खड़े होंगे तब आपको सना नहीं पढ़नी है, तब आपको सबसे पहले सूर्य फातिहा यानी अलहमद शरीफ की सूर्य पढ़नी है। और फिर उसके बाद आपको कोई भी सूर्य मिलानी है, कोई भी सूरत आपको अलहमद शरीफ पढ़ने के बाद पढ़ लेनी है। और फिर उसके बाद आपको फिर से रुकू करना है, सजदा करना है। और फिर सजदा करने के बाद आपको दूसरी रकत में कायदे में बैठ जाना है। कायदे में बैठकर आपको अत्तहियात और उसके बाद दुरूद इब्राहिमी वगैरह जो भी आप और नमाजों में पढ़ते हैं, जो भी दुआ पढ़ते हैं अत्तहियात के बाद, वो पढ़कर आप जो है सलाम फेर दीजिए। ये आपकी शुक्राने की नमाज अदा हो गई। इसके बाद आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। ये आपकी दो रकत शुक्राने की नमाज अदा हो गई। उम्मीद है आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी तरह की दीनी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।